दोस्तों, आपने क्रिकेट में कई दफा बॉल के स्विंग होने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बॉल आखिर स्विंग होती कैसे है और इसका मतलब क्या है? दरअसल स्विंग का मतलब होता है झूलना। देखिए, जब बॉलर गेंद को बल्लेबाज की तरफ फेंकता है तो उस दौरान हवा उस गेंद को रोकने की कोशिश करती है, यानी यहाँ हवा का रेजिस्टेंस काम करता है जिससे बॉल झूलने लगती है। इसलिए हम पॉइंट ऑफ रिलीज से जब पॉइंट ऑफ पिचिंग या पॉइंट ऑफ इंपैक्ट को देखते हैं तो हमें पाथ में कई कर्व दिखाई देते हैं। बॉल के स्विंग होने में कोई एक फैक्टर काम नहीं करता। बॉल का नया होना, पिच का ग्रेसी होना, ग्राउंड की लोकेशन और ओवरकास्ट कंडीशन, ये सभी फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। नई बॉल जब बैट्समैन की तरफ ट्रेवल करती है तो इसकी साइड्स पर एयर फोर्स काम करता है। अगर बॉल की सीम अंदर की तरफ है तो बाईं सरफेस काफी स्मूथ हो जाती है जिससे वायु आराम से पास हो जाती है, जबकि दूसरी साइड पर सीम से टकराने और रेजिस्टेंस मिलने से बॉल में टर्बुलेंस होने लगता है और बॉल स्विंग होती है।